हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स के लिए आपको इंग्लिश का प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो यहाँ पे मैंने पैसेज को नहीं लिया, यहाँ पे 17 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, पैसेज को छोड़ के। अब 17 में आप लोगों को बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ, ठीक है। जल्द आपका एग्जाम भी है भाई एयरफोर्स का, तो तैयारी जम के कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई। आपको पता है मेहनत लगती, तो छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। जितने भी एयरफोर्स नेवी के स्टूडेंट है भाई, सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 1500 वीडियो मैंने बनाया है एयरफोर्स नेवी सर एमआर के लिए। तो अगर आपको किसी को भी प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट बताना, प्ले लिस्ट मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चूज एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द साइनोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स, ठीक है। तो आप बताना है आपका क्या बनेगा 6वें नंबर का। चलो देखो, एज एलियंट माने क्या होता है, एज एलियंट माने क्या होता है आपका आक्रमणकारी, आक्रमणकारी। तो इसका साइनोनिम क्या बनेगा बताइए। अटैकर माने भी तो होता है, अटैकर मतलब आक्रमण करने वाला, तो वही हो जाएगा आक्रमणकारी, ठीक है। तो 6वें का तीसरा राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। इन्फ्लुएंस्ड माने क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड माने होता है प्रभावित। बेस्ड मतलब क्या होता है, झुका हुआ। और असिस्टेंट माने क्या होता है, सहायक। अगला दिया गया फॉर्मेंट, 7वें नंबर है, साइनोनियम है ये भी, ठीक है। फॉर्मेंट माने क्या होता है, FOMENT, फॉर्मेंट माने होता है सेकना, सिकाई करना। तो बताइए क्या हो सकता है। इंस्टिगेट माने भी होता है सिकाई करना, सेकना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यही बनेगा। पार्डन मतलब होता है क्षमा, ठीक है। और एक्सहॉस्टेड माने होता है थका हुआ, जेडेड माने भी थका हुआ होता है। मेंशनड माने क्या हो, मेंशन किया गया मतलब उल्लेख किया गया, ये चीज़ आप लोगों को आता होगा। अगला दिया गया 8वें से 9वें नंबर में क्या है दोस्तों, चूज एप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड, ठीक है। एंटोनियम दिया गया है, विलोम शब्द अपोजिट है। क्रेडिट माने क्या होता है, विश्वास। क्रेडिट माने देखो काफ़ी होता है, देखो एक शब्द के काफ़ी अर्थ होते हैं, विश्वास होता है, मानता होती है, उधार होता है, ऋण भी होता है इसके मतलब, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे क्या सही बैठ रहा है, ठीक है। डिफ्यूज्ड मतलब होता है नाकाम कर देना। कैश पता होगा, नगद। हैवी भारी, सरप्लस अतिरिक्त, ठीक है। तो 8वें का राइट ऑप्शन यहाँ पर कैश बनेगा, एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि नगद भी होता है ना। क्रेडिट माने मतलब होता है उधार और ऋण, नगद भी सही है, ठीक है। तो यही बनेगा क्रेडिट का, क्योंकि एक मिनट रुके, एंटोनियम पूछा गया ना, क्योंकि इसके मतलब होता है उधार या ऋण होता है, और इसके मतलब होता है नगद, एक तरफ उधार एक तरफ नगद, हो गया राइट ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं। रेयर मतलब बड़ी मुश्किल से, रेयर मतलब होता है मुश्किल से। ध्यान से एक एक वीडियो देखना, इन चारों ऑप्शन में से कोई भी पेपर में कोई बन सकता है, इसलिए चारों को डिस्कस करते चल रहे हैं। मुश्किल तो फिर कॉमन, एक तरफ मुश्किल एक तरफ सिंपल है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत। तो रियर माने ये REAR, रियर मतलब होता है पीछे, ठीक है। इमेजिनरी मतलब क्या होता है, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। मिक्स्ड मतलब होता है मिश्रण, मिला हुआ। अगला दिया बरी द हैचेट, बरी द हैचेट मतलब होता है टू सीज फाइटिंग, टू सीज फाइटिंग मतलब बरी द हैचेट मतलब हैचेट, बड़ी दहेजट मतलब टू सीज फाइटिंग मतलब लड़ाई बंद कर देना, इसकी हिंदी तो यही हो जाएगी। अगला दिया गया 11 नंबर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया गया। वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा आस द स्ट्रेंजर, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था पहले वेयर डू यू लिव, और फिर क्वेश्चन मार्क बंद था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद था, फिर लिखा था आस्क द स्ट्रेंजर। तो 11वें नंबर का देखो राइट ऑप्शन क्या बन सकता है, तो इसको बनाएंगे आप लोग द स्ट्रेंजर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आस्क लगेगा क्या इंक्वायर लगेगा, आप बताइए आपका यहाँ पे पहले बताइए क्या बनेगा राइट ऑप्शन। देखिए राइट ऑप्शन की बात है तो आपका यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि ये WH फैमिली आप लोगों को पता है, काफ़ी बार बता चुके हैं। देखो आंसर तो आप लोग सोच रहे होंगे ये वाला, लेकिन WH फैमिली वाला आपका सही है, ठीक है। द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड होगा, इंक्वायर्ड, ठीक है, इंक्वायर्ड वेयर दे लिव्ड, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं, आपका 12 नंबर दिया गया है, ठीक है। 12 नंबर में देखते हैं क्या है, यहाँ पे लिखा है आपका द बॉय इज क्लाइंबिंग द क्लिफ, बताइए इसका क्या होगा दोस्तों, एक मिनट रुक जाइएगा। इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का 11 का राइट ऑप्शन आपका चौथा भी सही है, चौथा सही है, ठीक है। ये वाला आपका गलती है थोड़ी इसमें, ये आपका गलत है, ठीक है, ये चौथा ऑप्शन राइट है, ठीक। 11 का चौथा लगा लेना आप लोग का, इनमें से कोई नहीं सही है, ठीक है। दूसरा सही हो सकता था, लेकिन दूसरे में भी आपकी गलती दी गई है,
दूसरा आपका गलत है, यहाँ पे ये नहीं लगेगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि चेंज द वॉइस है, दे बॉय इज क्लाइंबिंग द क्लिफ, ठीक है। चलो तो इसका राइट ऑप्शन देखो क्या बनता है, 12 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट ऑप्शन देखो इज एम आर दिया गया है, जब इज एम आर दिया जाता है तो उसका बनता क्या है, इज बैंग एम बैंग आर बैंग, ऐसे ही बनता है, ठीक है, इज बैंग एम बैंग आर बैंग ऐसे ही बनता है। तो इज बैंग इसमें, इसमें नहीं है और इसमें नहीं, मतलब पहले और तीसरे में राइट ऑप्शन हो सकता है। तो द क्लिफ को सब्जेक्ट बनाएंगे, इन्होंने द बॉय को बनाया, गलत है। ये लास्ट वाली चीज़ को सब्जेक्ट बनाते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कार करेगा। तीसरा नंबर बिल्कुल सही है 12 का। 13 नंबर दिया फेमिनाइन ड्रोन का, ठीक है, तो 13 नंबर अच्छी बात है, लेकिन 13 का राइट ऑप्शन बनेगा क्या भाई, चलो बताइए। सिंपल सा ही क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, इसका ड्रोन मतलब हो जाएगा बी ई, मतलब बी डबल ई मतलब मधुमक्खी होता है फेमिनाइन। लोगों का क्या हो जाएगा, लोगों का पुलर लोगोस हो जाएगा, एल ओ जी ओ एस लोगोस हो जाएगा। और वन वर्ड पूछा गया, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्लैगरिज्म हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन। चलो बता देते हैं, देखो लिटरली थेफ्ट और पासिंग ऑफ एन ऑथर ओरिजिनल, मतलब क्या है कि ओरिजिनल मतलब साहित्यिक चोरी कहते हैं इसको, ठीक है, वर्क ऑन ऑन वर्क वंस ऑन, ठीक है, तो रुकिएगा एक मिनट, प्लैगरिज्म प्लैगी एरिज्म होता है, प्लैगी फिर एरिज मतलब होता है साहित्यिक चोरी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया, हाँ आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा 17 में, आप लोगों को स्कोर जरूर बताना कमेंट में, ठीक है भाई, लाइक तो आप लोग करेंगे भी मन हो तो अगर आपका, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो ही लाइक करना, ठीक है। तो बताइए पंचुएशन क्या होगा, काफ़ी लोग लाइक भी करते हैं पर काफ़ी लोग लाइक नहीं करते, अच्छा नहीं लगता, लाइक सभी लोग करिएगा। 16 नंबर बताइए क्या होगा, ठीक है, तो जब देखो नाम जब लिखा जाता है, पॉल द अपोस्टल वाज बीहेडेड इन द रीजन ऑफ नेरो, नेरो को बड़ा बनेगा एन, ठीक है, सही है, बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या बन सकता है। 16 का तीसरा नंबर है, देखो 16 का तीसरा नंबर राइट ऑप्शन है, आपको इसके बारे में बता दे ध्यान से, देखो जब नाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो कॉमा के अंदर लिखते हैं, ठीक है, कॉमा के अंदर ही लिखा जाता है, तो राइट ऑप्शन तो 16 का तीसरा ही सही है। अगला दिया गया है यहाँ पे, स्पॉट द एरर, नो एरर दिया गया, आप लोग इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं पढ़ना, केवल ये लिखा है आप लोगों को ये बताना, ये नो एरर इतना घंटे भर आपको नहीं पढ़ना, केवल ये बताना, ही इज पहला नंबर ग्रेट हैंड इन ऑर्गेनाइजिंग, क्या लिखा, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग लिखा है, तो 17 नंबर में गलती क्या है, देखो आपका यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है उसमें गलती है, ग्रेट हैंड एट होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या होगा, ही इज ए ग्रेट हैंड एट ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग, सही है, ठीक है, तो यहाँ पे एट का प्रयोग किया जाएगा, ग्रेट हैंड एट आपका मुहावरा है ना ईडियम से, इसलिए ग्रेट हैंड इन नहीं होता, ग्रेट हैंड एट होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में कुशल होना या एक्सपर्ट, ठीक है, ये आपका मुहावरा है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एट लगाना पड़ेगा। अगला दिया है एक्सपर्ट होता है इसका मतलब, अगला दिया गया है यहाँ पे लिखा है पिलिंदम ने, ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ होगा, तो फिर मेरे हिसाब से 18 का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, पहला आप लोगों को एक मिनट रुकिएगा, प्रपोजिशन बता दे फिक्स यहाँ पे, कॉन्फिडेंट के बाद में हमेशा ऑफ लगता है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस लिखा है, कॉन्फिडेंस इन होता है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट लिखा है तो ऑफ लगेगा राइट ऑप्शन पहला, नहीं तो इन मत लगाना भाई, कॉन्फिडेंस इन होता है क्योंकि कॉन्फिडेंट ऑफ पहला सही है 18 का। 19 नंबर दिया गया, ही हैज नो डिजायर डैश फेम, 19 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन, ही हैज नो डिजायर के बाद फॉर लगता है, डिजायर फॉर फेम। अगला दिया, ही हिंडर्ड मी गोइंग, वह बिना बाधा पहुँचाए चला गया, हिंडर्ड देखो हिंडर्ड के बाद में फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम होती है, ठीक है, फ्रॉम। अगला दिया, ही केम डैश टू द बिलीफ, 21 नंबर प्रश्न का क्या बनेगा, ही केम राउंड टू देयर बिलीफ, ठीक है, राइट ऑप्शन आपका बनेगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, चलो भाई 22 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताइए क्या होगा, देखो आप लोग इंपॉर्टेंट बात बता दे ध्यान से समझिएगा, मोहन इज माई सन, खुद की पुत्र की बात है,
जब अपने ही परिवार के लोग होते हैं अपने परिवार के लिए, तो उसमें ई का प्रयोग करते हैं। ई मतलब होता है इल्डर या इल्डेस्ट, कुछ लगा सकते हो। और दूसरा अगर होता कोई दूसरे पड़ोसी तो ओल्डर ओल्डेस्ट हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे ई का प्रयोग किया जाएगा। ई से केवल एक ऑप्शन है, इल्डेस्ट यहाँ पर राइट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपने परिवार वरिवार में जो होता है परिवार में, तो उसके लिए ई का प्रयोग करते हैं, इल्डेस्ट मोहन इज माई इल्डेस्ट सन। ठीक है चलो भाई, तो यहाँ पे आपको 17 क्वेश्चन कराए थे, पैसेज नहीं कराया, उसको बाद में महामैराथन करा देंगे 2-3 ऐड करके पैसेज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, जल्द आपका एग्जाम है, जितने भी छात्र हैं सभी चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।